जब हिरण्यकश्यप ने पूछा प्रहलाद महाराज से कि तुम्हारी आसक्ति बुद्धि इस तरह से कैसे हो गई है, क्यों तुम्हारी बुद्धि कृष्ण में लग गई है, तो प्रहलाद महाराज ने कहा, पिताजी हमारी जैसी बुद्धि लगी है कृष्ण में, इस तरह से श्री कृष्ण में बुद्धि अपने आप नहीं लग सकती है उन लोगों की जो लोग इस संसार के भोगों को अनकंट्रोल्ड इंद्रियों से भोग रहे हैं। अदंत गोभी विशतांत मिश्रम, इंद्रियों का आवेश भोगों की तरफ जिनका है तो वे कृष्ण को नहीं समझ सकते। यद्यपि कृष्ण परमानंद घन है, समस्त जीवों के परम लक्ष्य हैं, लेकिन फिर भी नते विदुह स्वार्थ गति में विष्णु, वे विष्णु को नहीं जानते हैं कि वास्तव में विष्णु ही परम आनंदमय है और वही सबके परम लक्ष्य है। और इसका कारण यह है कि इन सांसारिक जीवों के जो गुरुजन हैं वे स्वयं ही अंधे हैं। तो जैसे अंधों के पीछे चलने वाले अंधे गर्त में गिरते हैं, उसी तरह से ऐसे लोगों के पीछे चलने वाले लोग भगवान को नहीं समझ पाते हैं, बल्कि और अज्ञान में धंस जाते हैं। जब तक महान वैष्णवों के भक्तों के चरण रज में अभिषेक नहीं किया जाता है, तब तक किसी भी उपाय से भगवान कृष्ण के रूप गुण लीला आदि को यह मति नहीं समझ सकती। इतना कहकर उपरतम, प्रहलाद महाराज उपरत हो गए, चुप हो गए। यही तीन श्लोक बोलकर वे चुप हो गए। इति उक्तवा उपरतम पुत्रम, इतना कहकर जब प्रहलाद महाराज चुप हो गए तो इसको सुनते ही हिरण्यकश्यपु क्रोध से अंधा हो गया। रुषा अंधीकृत आत्मा, उसका मन, उसका विवेक या चित्त कहिए, बिल्कुल अंध हो गया। जैसे कोई व्यक्ति अंधा हो जाता है तो उसको कुछ भी दिखाई नहीं पड़ता, इस तरह से क्रोध के कारण हिरण्यकश्यपु अंधा हो गया। मतलब क्या कार्य है उचित, क्या अकार्य है, इसका अनुसंधान उसे नहीं रहा। विवेक आंख है, शास्त्र कहता है वो भीतर की आंख है, बाहर अंधा नहीं हुआ वो हिरण्यकश्यपु, बाहर से तो देख रहा था बाहरी आंखों से, लेकिन भीतर हृदय में विवेक समाप्त तो हो गया। जिस प्रहलाद महाराज के उपदेश से दूसरों को ज्ञान हो जाता था, उन्हीं के उपदेश से हिरण्यकश्यपु अंधा हो गया। नारद जी कहते हैं इसका ज्ञान समाप्त हो गया। उपदेश हो ही मूर्खाणाम प्रकोपाय न शांत है, पयपानम भुजंगानाम केवलम विस्वर्धन। नीतिकार ने कहा है कि यदि मूर्खों को उपदेश दिया जाता है तो वे ज्ञानी नहीं बनते हैं सुनकर, और उल्टे उपदेश करने वाले को मारना चालू करते हैं। जैसे यदि सर्प को दूध पिलाया जाए तो सर्प दूध को पी करके अपना विष त्यागता नहीं है, बल्कि उसका विष और बढ़ जाता है, और कभी कभी दूध पिलाने वाले को ही डस देता है। तो इस प्रकार यहाँ एक उदाहरण है, बहुत दिव्य ज्ञान, कृष्ण भावना कैसे प्राप्त होगी, कृष्ण में मति का आवेश कैसे होगा, इस पर प्रहलाद महाराज का अपना रियलाइजेशन प्रस्तुत किया जा रहा है। पूछा है हिरण्यकश्यपु, प्रहलाद महाराज ने वास्तव में बहुत ही सुंदर वचन कहा, मनन करने लायक बात है, परंतु हिरण्यकश्यपु पर इसका बहुत उल्टा प्रभाव पड़ा। वो रूसा क्रोधेन, वो क्रोध में आ गया, क्रोध से उसका विवेक लुप्त हो गया। इतना विवेक लुप्त हुआ कि स्व उत्संगात, वह अपने पुत्र को अपनी गोद से उठाकर मही तले निरस्यता पृथ्वी पर पटक दिया।
प्रश्न होता है क्या प्रहलाद महाराज को चोट लगी होगी, निश्चित छोटा बच्चा है और उसको पक्का फर्श पर फेंका जा रहा है। वास्तव में प्रहलाद महाराज की रक्षा भगवान कर रहे थे, उनको कोई चोट नहीं लगी। वो आते आते बिल्कुल धीरे से पृथ्वी का स्पर्श किए, ये भगवान की ऐसी दया थी प्रहलाद महाराज पर। कुछ भी किया जाता था उनको कोई घाव नहीं होता था, न मन में न शरीर में। जो पटका होगा तो रूई की तरह धीरे धीरे गए होंगे जमीन पर, लेकिन अपने तरफ से ऐसा पटका कि एक बार में ही ये समाप्त हो जाए, मर जाए इतना क्रोध में निराश्चेतम वही तले। उस समय कसाई भूत लोचन उसके आंख बिल्कुल कसाय हो गए। कसाय का अर्थ होता है लाल, आंखें बिल्कुल लाल हो गई क्रोध के मारे। इस शरीर में विशेषकर मन में जब विकार होता है, किसी विशेष प्रकार का विकार, तो शरीर की दशा, शरीर के अंगों की दशा कुछ भिन्न भिन्न हो जाती है। ऐसे काम, लोभ, क्रोध, ये तीन जो दोष हैं, एक ही दोष के भिन्न भिन्न अभिव्यक्तियां हैं। जैसे भगवान कहते हैं काम ऐसा, क्रोध ऐसा, रजोगुण समभाव। काम जो है वही क्रोध बन जाता है, विषयाभिलाष इसको काम कहते हैं, कुछ इच्छा पाने की, भोगने की। और जब वह इच्छा डिस्टर्ब होती है, उसकी पूर्ति नहीं होती है, तो वो इच्छा ही क्रोध का रूप धारण कर लेती है, और जब पूर्ति होती है तो लोभ का रूप धारण करती है। काम जब भयभीत होता है, फ्रस्ट्रेटेड होता है, तो क्रोध का रूप धारण करता है, और जब पूर्ति होती है तब लोभ का रूप धारण कर लेता है। एक ही व्यक्ति, इसलिए भगवान कहते हैं काम ऐसा, क्रोध ऐसा। कहां से जन्म लेता है? रजोगुण से, भोगों की लालसा से। तो जो कुछ भी हो, काम यदि है काम की दशा में और लोभ की दशा में, तो वह शरीर को उतना खराब नहीं करता है, लेकिन क्रोध का रूप जब धारण करता है काम, तो क्रोध नाक से सिख तक वाले तो शरीर को गर्म कर देता है ना। आप कोई क्रोधित हो जाता है, वो बताते हैं कि ज्यादा गर्म मत बनो, आदमी स्वयं ही ऐसा कहता है। मैं वहां उसके पास गया था और मेरी बात नहीं माना तो मैं गर्म हुआ। गर्म हुए तो एक और अच्छा है, जलने लगता है पहले। क्रोध जो करता है पहले तो वही व्यक्ति जलने लगता है, दूसरों को तो जलाएगा ही, चाहे हाथ में डंडा लेकर के, चाहे शब्द बेधी बाण छोड़े, वाणी द्वारा गाली दे, कुछ भी करे, लेकिन पहला तो अटैक क्रोध का उसी व्यक्ति पर होता है। ओठ खड़कने लगते हैं, आंखें लाल हो जाती हैं, और उस समय हाथ कुछ पकड़ने की चेष्टा करता है, नहीं रहता है तो थप्पड़, और यहां तक कि पैर में भी क्रोध आ जाता है। आदमी पैर से ही मारने लगता है, हाथ से मारने लगता है, और हाथ में कुछ मिला तो डंडा से या जूता से ऐसे तैसे मारने लगता है। क्रोध उस आदमी को अभिभूत कर देता है। इसीलिए यहां सबसे पहले नारद जी बता रहे हैं, हिरण्यकश्यपु का मन, विचार शक्ति अंधी हो, लुप्त विवेक हो गया, क्रोध इस तरह से विवेकहीन कर देता है। इसलिए भगवान ने गीता में कहा है काम, क्रोध और लोभ तीनों नरक के द्वार हैं, इनको निश्चित त्यागना चाहिए। धन्य है वह पुरुष जो कभी क्रोध के बस में नहीं होता है। यह एक बहुत बड़ा गुण है। लोग बड़े बड़े राज्य जीत लेते हैं, साम्राज्य जीत लेते हैं, लेकिन क्रोध को जीतना कठिन होता है। जैसा श्रीमद् भागवतम में एक तुलना की गई है भगवान नर नारायण से और भगवान शिव से। भगवान नर नारायण की तपस्या को भंग करने के लिए बसंत ऋतु, कामदेव और अन्य गंधर्व अप्सराएं ये सब आए।
लेकिन भगवान की तपस्या को भंग नहीं कर पाए, कुछ भी नहीं कर पाए, कुछ भी प्रभाव नहीं हुआ, तो अंत में सब भयभीत हो गए कि अब हमारा क्या होगा, कहीं साप न दे दें। क्योंकि ये प्रसिद्ध बात है कि किसी ऋषि को डिस्टर्ब करने के लिए कामदेव जाता था, यह बसंत ऋतु अप्सराएं, और यदि साधु डिस्टर्ब नहीं हुआ, कामुक नहीं बन सका, तो निश्चित ही वो क्रोध में फिर साप देता था। ये लोग डर गए, लेकिन भगवान ने आश्वासन दिया। दोनों भाई नारायण कहे कोई बात नहीं, आप लोग जाइए। और अपनी भावों से भगवान ने कई सुंदरियां उत्पन्न कर दिया और कहा कि यदि आपकी इच्छा हो तो इसमें से जो भी सबसे श्रेष्ठ हो ले जाइए। तो उर्वशी भगवान की आंख से जन्म ली है और उसको लेकर के देवता गए स्वर्ग। क्या कोई काम विकार भगवान में पैदा करेगा? लेकिन वहीं पर यह वर्णन है कि कुछ लोग काम को तो जीत लेते हैं लेकिन क्रोध को नहीं जीत पाते हैं, जैसे भगवान शिव। कामदेव उनकी निष्ठा को भंग करने के लिए गया तो पुष्प बाण मारा भगवान शिव को, तो उनमें कामुकता नहीं आई। काम अपना प्रभाव नहीं डाल सका भगवान शिव पर थोड़ा भी, लेकिन वो भगवान शिव के भाव को, भगवत भजन को नष्ट करने गया था, यह केवल सोच करके भगवान शिव को बहुत क्रोध हो गया। और इतना क्रोध हो गया, इतना क्रोध हो गया कि प्रलय काल में जो आंख तीसरा नेत्र खोलते हैं वो उस समय खोलकर उसको जलाकर राख कर दिया। अब भगवान नारायण में और भगवान शिव में देखिए, विचार कीजिए। मैं किसी की हीनता के लिए बात नहीं कह रहा हूं, भागवत में जैसे पढ़ा हूं वैसे कह रहा हूं। भगवान कितने जितेंद्रिय हैं, कोई क्रोध नहीं, काम का तो प्रश्न ही नहीं, क्रोध का भी कोई सवाल नहीं, लेकिन भगवान शिव इतना क्रोध किए कि कामदेव जल कर राख हो गया। उन्हीं पर काम वासना तो उनमें नहीं आ पाई, लेकिन क्रोध इतना हुआ कि वह क्रोध प्रलय काल में करने के लिए उनके पास रखा गया है, संसार को भस्म करने के लिए। लेकिन कोई सरकारी ऑफिसर जैसे अपने पद का दुरुपयोग करे सरकारी फैसिलिटी का, उस तरह से प्रलय करने वाले नेत्र को उन्होंने उस समय कामदेव को भस्म करने में लगा दिया। तो क्रोध है को जीतना बहुत कठिन है, यह भगवान शिव के आचरण से प्रतीत होता है। परंतु यह ध्यान रखना चाहिए कि भगवान शिव वास्तव में जितेंद्रिय हैं, क्रोध के बस में नहीं है। उस समय कुछ जरूरत पड़ गई इसलिए चलाकर राख कर दिए, परंतु फिर भी इतना निश्चित है कि भगवान तो भगवान है, भगवान में अपार धैर्य है, अपार शांति है, अनंत सुख है, समस्त जीव